स्टार प्लस के मशहूर शो दिया और बाती हम में भाबों का सास वाला रोबीला और कड़क किरदार निभाने वाली अभिनेत्री नीलू वाघेला ने इस किरदार को इतनी खूबसूरती से निभाया था कि इनके कड़क अंदाज से सभी दर्शक फैन हो गए थे। तभी तो ये सीरियल भी काफी हिट रहा था। लेकिन दोस्तों, आज दिया और बाती हम सीरियल को प्रसारित हुए लगभग 5 साल बीत चुके हैं, पर क्या आप जानते हैं कि भावो का किरदार निभाने वाली ये अभिनेत्री आज कहाँ है, क्या करती है और कैसी दिखती है? अगर आप भी इनके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और साथ ही इनके लिए इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नीलू वाघेला का जन्म 15 अप्रैल 1970 को जयपुर राजस्थान में हुआ था, जिसके चलते इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई वहीं से पूरी की थी। वहीं बात करें इनके एक्टिंग करियर के बारे में तो आपको बता दें कि इन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत बतौर स्टेज आर्टिस्ट की थी, जिसमें इनके अभिनय को काफी पसंद किया गया था और इन्हें राजस्थान की कई फिल्मों में काम करने का मौका मिला। मगर इन्हें सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली साल 2011 में आए सीरियल दिया और बाती हम से, जिसमें इन्होंने भावो का किरदार निभाया, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद भी किया और इस किरदार को निभाकर ये एक घरेलू नाम बन गई थी। इसके बाद ये कई शो और सीरियल्स में नजर आईं, जिनमें नच बलिए 5, तू सूरज में सांझ पिया जी, मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो और शादी मुबारक जैसे सीरियल में शामिल हैं, जिनमें काम करके आज ये खूब मशहूर हो चुकी हैं। लेकिन अगर बात की जाए इन बीते 5 सालों में आए हुए बदलाव के बारे में तो आपको बता दें कि जहां दिया और बाती हम सीरियल में ये हमें एक राजस्थानी घरेलू सास के लुक में दिखाई देती थी, जिसमें ये ज्यादातर राजस्थानी सीधे पल्ले की साड़ी पहने हुए, माथे पर गोटा, गले में हार, माथे पर बिंदिया, आँखों में काजल और हैवी मेकअप के साथ थोड़ी मोटी नजर आती थी, वहीं आज ये 51 साल की हो चुकी हैं और ज्यादातर हमें वेस्टर्न ड्रेस जैसे जीन्स, टी शर्ट, प्रिंटेड शर्ट, जीन्स टॉप और डिजाइनर कुर्ती में लाइट तो कभी हैवी मेकअप किए हुए स्टाइलिश हेयर स्टाइल के साथ काफी मॉडर्न मगर बूढ़ी नजर आती हैं। उनके चेहरे पर झुर्रियां साफ दिखाई देती हैं, जो इनकी उम्र को जाहिर करती हैं। साथ ही आपको बता दें कि इन्होंने अभी भी अपने एक्टिंग करियर को जारी रखा हुआ है और लास्ट टाइम ये हमें ए मेरे हमसफर सीरियल में नजर आई थी और अब ये एक अच्छे प्रोजेक्ट का इंतजार कर रही हैं। वहीं अगर बात की जाए इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में तो आपको बता दें कि इन्होंने राजस्थानी एक्टर अरविंद कुमार से शादी की है और इनके 2 बच्चे भी हैं, एक बेटा और एक बेटी, जिनके साथ ही मुंबई में एक आरामदायक जिंदगी बिता रही हैं। तो दोस्तों, आपको नीलू वाघेला के बदले हुए हालातों से रूबरू होकर कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही ऐसी और खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।